बागेश्वर में कांग्रेस सेवा दल कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम आयोजित कर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर सेवा दल कार्यकर्ताओं ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण विगत 3 महीनों से ध्वज बंधन कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पा रहा था। गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। पूर्व कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख सुनीता टमटा, इंदिरा जोशी सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने कहा कि भारतीय सेना चीन व पाकिस्तान की नापाक हरकतों का करारा जवाब देने में सक्षम है। भारत सरकार को सेना को खुली छूट देनी चाहिए तथा चीन के कब्जे वाली जमीन को तुरंत वापस लेना चाहिए। कांग्रेस सेवा दल की ओर से यहाँ पर प्रत्येक महीने के लास्ट संडे को यहाँ पर ध्वज बंधन आयोजित किया जाता था, पर कोरोना महामारी के चलते हुए पिछले 3-4 महीने से हम इस ध्वज बंधन कार्यक्रम को नहीं कर पाए थे। और इससे इस बीच कोरोना महामारी इस तरह से लोगों पर हावी हो गई थी, जिससे हर यहाँ तक कि हमारे प्लेन्स टू प्लेन्स हमारे पहाड़ में भी त्राही त्राही मच गई है। हर कोई कोरोना से डर, लोगों में डर बैठ गया था, बहुत सारा डर बैठ गया, लेकिन अब धीरे धीरे लोग इसके बारे में जानने लगे हैं। अपने हाथों को ढंग से वॉश करते हैं, इसके बारे में भी हमने यहाँ बताया कि हाथों को ढंग से वॉश करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, और किस तरह से आप मार्केट निकलते हैं तो कैसे आपको कितना डिस्टेंस रखना है, अपने 24 घंटे अपने मास्क पहन के रखें जब भी बाहर जाते हैं। तो इसके बीच में भी इस बारे में भी हमने सुझाव दिए। कोरोना महामारी के चलते हम कांग्रेस सेवा दल का जो हमारा महीने के लास्ट रविवार को ध्वजवंदन कार्यक्रम होता था उसको नहीं कर पा रहे थे, तो आज हमने यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए यहाँ पर सारे लोगों के द्वारा यहाँ पर ध्वजवंदन कार्यक्रम किया गया और राष्ट्रगान किया गया, ध्वज को सलामी दी गई, और आज जो हमारे चीन में जो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे उनको हमने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और 2 मिनट का हमने यहाँ पर मौन धारण किया शांति के लिए। सभी से हम यही अपील करते हैं पूरे देश से कि इस कोरोना महामारी में सब सतर्कता बरतें और अपना ध्यान रखें और बिना मास्क के बाहर नहीं निकलें। देखिए सर, आज कांग्रेस सेवा दल द्वारा जो कि महीने के रविवार को हमेशा एक ध्वजवंदन कार्यक्रम करती है, और लॉकडाउन के बीच हम ये ध्वजवंदन कार्यक्रम नहीं कर पाए, लगभग 100 से 110 दिन के बाद आज हम ये ध्वजवंदन कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ हम सबसे पहले तो हम देश के उन वीर सपूतों को नमन करते हैं जो भारत और चीन सीमा पर आपसी संघर्ष में शहीद हुए हैं, उनको सर्वप्रथम हमने यहाँ पर सदा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित की है, और हम उन सभी शहीदों को नमन करते हैं और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को इस दुख को सहने की भगवान उनको शक्ति प्रदान करे, और इसी को देखते हुए आज महीने के अंतिम रविवार को हमने आज यहाँ पर ध्वजवंदन कार्यक्रम किया है कांग्रेस सेवा दल बागेश्वर की ओर से। CCN न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।